हेलो एवरीवन, तो आज मेरे पास है लावा ब्लेज 3 5G और इस डिवाइस को मैं पिछले 5 दिन से यूज कर रहा हूँ और मैंने इस डिवाइस पे कई सारे टेस्ट परफॉर्म किए हैं, जैसे कैमरा टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट, बैटरी टेस्ट और भी कई सारे। तो मैं आपको इस फोन के बारे में बेहतर तरीके से बता पाऊंगा। तो सबसे पहले हम बॉक्स कॉन्टेंट देख लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का बॉक्स है, उसमें बेसिक डिटेल्स है और बॉक्स के अंदर सबसे पहले हमको मिलेगा ये ट्रांसपेरेंट टीपीयू केस, एक ये फ्री होम सर्विस कार्ड जो की हमको 24/7 होम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, देखेंगे कब जरूरत पड़ेगी तक इसको भी एक्सपीरियंस करेंगे, एक ये 18 वाट का फास्ट चार्जर और ये टाइप सी केबल और लास्ट ये इजेक्टर पिन। इन हैंड फील की बात करें तो काफी अच्छी ग्रिप ही हमको प्रोवाइड करता है, फ्लैट डिजाइन है ये, साइड से आप देखें तो बिल्कुल फ्लैट है और अगर आप बैक में देखें तो आपको ग्लास बैक देखने को मिलेगा जिसपे की आपके कोई फिंगरप्रिंट वगैरह विजिबल नहीं होते हैं। और इसका जो फ्रेम है इसका प्लास्टिक बॉडी में है। अभी मेरे पास जो है वो है इसका ग्लास गोल्ड कलर, एक और दूसरा कलर भी आता है ग्लास ब्लू। पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करें तो यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा 3.5 mm का जैक, इसका प्राइमरी माइक, इसका टाइप सी पोर्ट और इसमें डुअल स्पीकर का सपोर्ट है। टॉप में आपको एक नॉइस कैंसिलेशन माइक मिलेगा, साइड में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा, वॉल्यूम ब्रोकर्स हैं, लेफ्ट साइड में आपको सिम इजेक्टर ट्रे मिल जाएगी जो कि आपको ये एक हाइब्रिड ऑप्शन प्रोवाइड करेगी जिसमें कि आप एक टाइम में या तो दो सिम यूज करो या फिर एक मेमोरी कार्ड या फिर एक सिम यूज करो। प्राइस की बात करें तो इसका जो लॉन्च प्राइस था वो था 9,999 रुपए, लेकिन मुझे इसके ये रेगुलर प्राइस में मिला जो है 11,000 रुपए। इस फोन में आपको 6.5 इंच की LCD IPS डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की अगर हम बात करें तो वो हमारा 83% है यहाँ पे और अगर इसकी चिन देखे तो वो थोड़ी ज्यादा है अभी जो फोन आ रहे हैं उनसे। डिस्प्ले की अगर कलर और ब्राइटनेस की अगर हम बात करें तो अगर आप इसमें आउटडोर में भी कंटेंट कंज्यूम करते हैं तब भी आपको कोई इशू नहीं आएगी, अच्छा खासा कलर प्रोडक्शन ये करके देगी, ना तो एकदम सैचुरेटेड कलर है ना एकदम फीके कलर है, एकदम बैलेंस कलर ही मिलेगी। और जब आपको इसको डे लाइट में धूप में भी यूज करेंगे ना तब भी आपको ये अच्छी खासी विजिबिलिटी प्रोवाइड कर देगी। और इस फोन में आप यूट्यूब पे 2K तक की वीडियो प्ले कर सकते हैं और साउंड क्वालिटी भी अच्छी है अगर आप देखें तो। साउंड क्वालिटी के लिए इसमें आपको स्टूडियो स्पीकर का फंक्शन दिया है जिसमें कि आपको 2 स्पीकर्स मिलेंगे, एक बॉटम में है जिसका प्राइमरी स्पीकर है और टॉप में इसका सेकेंडरी स्पीकर है। OS एंड UI के लिए इसमें आपको एंड्रॉइड 14 का सपोर्ट दिया है और साथ में आपको 1 साल का OS अपडेट मिलेगा और 2 साल का सिक्योरिटी अपडेट भी मिलेगा। वहीं अगर हम डिस्प्ले की रिफ्रेश रेट की बात करें तो इसमें आपको अप टू 90Hz तक की रिफ्रेश रेट मिलेगी जिसको कि आप 60 और 90Hz पर जो है स्विच कर सकते हैं इजीली। बाकी ऐसा परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो कोई भी जिटर लैग वगैरह कुछ भी नजर नहीं आएगा। अभी मैं 90Hz पे इसको शिफ्ट करके रखे हूँ। परफॉर्मेंस के लिए इसमें आपको MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया गया है, 6GB की LPDDR4X रैम प्रोवाइड किया है और प्लस 4GB की जो है वर्चुअल रैम भी इसमें दी गई है। स्टोरेज के लिए 128GB UFS 2.2 का सपोर्ट इसमें दिया गया है। डेली यूजर्स के लिए इसकी परफॉर्मेंस में कोई इशू आने वाला नहीं है और अगर आप एक ओकेशनल गेमर हैं, बेसिकली ये फोन हैवी गेमर्स के लिए हैवी नहीं, अगर आप एक ओकेशनल गेमर हैं तो आप इसमें गेमिंग कर सकते हैं। हमने इसमें तीनों गेम परफॉर्म किए, फ्री फायर, BGMI और COD। तीनों ही गेम्स में आपको मैक्सिमम जो सेटिंग्स हैं वो मीडियम ग्राफिक्स की मिलेंगी, मीडियम सेटिंग्स आपको मैक्सिमम दी गई हैं इसमें, उस पर आप इसमें गेम प्ले कर सकते हैं जिसमें कि हमको कोई हीटिंग इशू देखने को नहीं मिला, कोई जिटर, कोई लैग ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। सिर्फ COD जब हमने प्ले किया ना तो वहाँ पे हमको हल्का सा मोबाइल हीट होता हुआ नजर आया, बाकी जो 2 गेम्स थे उसमें कोई इशू नहीं आया। अगर आप लॉन्ग टाइम तक गेमिंग प्ले करते हैं तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत हीटिंग वगैरह मिले जो कि ऑब्वियस सी बात है इतना तो होता ही है। अगर आप अपने गेमिंग एक्सपीरियंस को और इम्प्रूव करना चाहते हैं ना तो ये एक सेटिंग हमको दी गई है जिसमें कि आप कई सारी सेटिंग्स यहाँ पे कर सकते हैं जिससे कि आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो और इम्प्रूव हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अब इसके कुछ स्पेशल फीचर्स की बात कर लेते हैं जो हाईलाइटेड भी है, जैसे कि ये इसकी वाइब लाइट है यहाँ पे पीछे, इसमें हमको एनोनिमस कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर भी मिल जाता है, बैकग्राउंड यूट्यूब वीडियो प्ले का भी ऑप्शन है इसमें जिसमें कि आप अपनी यूट्यूब वीडियोस को बैकग्राउंड में प्ले कर पाएंगे, साथ ही कुछ स्पेशल फीचर्स और गेस्ट भी है इसमें और एक और मल्टी यूजर का ऑप्शन भी जिसमें कि आप सेम डिवाइस के अंदर 2-3 मल्टी यूजर्स बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसके रियर में आपको ये डुअल कैमरा सेटअप मिल रहा है, इसका प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का है और सेकेंडरी लेंस जो है वो उसका 2 मेगापिक्सल का है। इसके फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। तो डेलाइट कंडीशन में अगर अभी हम देखें तो ये कुछ इस तरीके की ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है जो इसके सेल्फी कैमरा से है। भाई नाइट के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है इसमें कुछ गड़बड़ है, पता नहीं क्या, नाइट मोड में बिल्कुल भी नहीं आ रहा, मतलब रात में वीडियो शूट कर रहा हूँ ये इतनी अच्छी खासी लाइट जल रही है और ये फोकस तो बिल्कुल ले ही नहीं रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ना शार्पनेस आ रही है ना कुछ आ रहा है इसमें। ये जो फुटेज है ये है इसकी 2K की फुटेज, वो भी 30 FPS पे, क्योंकि 2K 60 FPS ये रिकॉर्ड नहीं करता। तो अभी आप इसकी फुटेज की वीडियो क्वालिटी चेक कर सकते हैं ये किस तरीके की वीडियो क्वालिटी हमको दे रहा है। नाइट में इसके रियर कैमरा की अगर वीडियो फुटेज देखें तो ये तो ठीक आ रही है, मतलब तो वाइब लाइट मुझे तो नहीं लग रहा इसका कुछ प्रैक्टिकल यूज़ इतना है, क्योंकि आप देखो जरा इसको, ये मैं चेंज कर रहा हूँ बस, ये कलर को चेंज कर रही है यहाँ पे, इसके अलावा तो और कुछ हो नहीं रहा है इसमें।
कनेक्टिविटी के लिए इस फोन में आपको डुअल 5G का सपोर्ट मिल जाएगा, वाईफाई 5 का सपोर्ट मिल जाएगा। अभी अगर हम कुछ बेसिक सेंसर्स की बात करें तो इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है और जो बेसिक हमारे नीडी सेंसर्स होते हैं जैसे जायरोस्कोप हो गया, एक्सेलेरेटर सेंसर हो गया, प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो गया, इस तरीके के जो भी नीडी सेंसर्स जो है उसमें हमको प्रोवाइड किए गए हैं। लास्ट में अगर हम इसकी बैटरी और चार्जिंग की बात करें तो इसमें 5000 mAh की बैटरी प्रोवाइड की गई जो कि ऑलमोस्ट आपका 1 से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप आपको प्रोवाइड कर देगी। और इसके अगर हम चार्जिंग देखें ना तो ये मैंने इसको 20% to 94% तक इसको चार्ज किया जो कि मुझे कुछ 2 घंटे का टाइम लगा इसको फुल चार्ज करने में, तो अप्रॉक्सीमेट वो 2.25 घंटे में ये आपको फुल चार्ज हो जाएगा इजीली। तो कैसा लगा आपको ये फोन, आपका जो भी ओपिनियन हो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिए और साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।